तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज के टाइम पे हर किसी को जो है एक बड़ी गाड़ी का शौक़ होता है। अब जैसे हमारे पास ही देखिए, छोटी गाड़ी है, तो छोटी गाड़ियाँ सिटीज़ के लिए सहूलियत रहती है बहुत, है ना, क्योंकि इसमें आसानी से इंसान मनूवर कर सकता है, शॉपिंग के लिए जा सकता है। और मेनली क्या होता है, छोटी गाड़ियाँ पार्किंग के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि थोड़ा जैसे भोकाल की, है ना, या थोड़ा रोड प्रेजेंस की, तब हम लोग जाते हैं किस में, एसयूवी सेगमेंट में। तो एसयूवी सेगमेंट में अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो आज हमारे साथ है एक ऐसी एसयूवी जो कि इंडिया की बिग डैडी कही जाती है। तो इस वीडियो में उसी की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए आज उसी को शुरुआत करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं उस बिग डैडी को, एकदम बीस्ट मस्कुलर। तो फ्रेंड्स, ये है वो बिग डैडी, देख सकते हैं आप, एकदम ब्लैक कलर में, फुल भोकाल के साथ, एकदम मस्कुलर बीस्ट लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एक फ्रेंड ने ली है, अभी रिसेंटली खरीदी है। तो आज इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे कि क्या ये रियल में बिग डैडी है या नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर से भी बड़ा है। आप देख सकते हैं जो इसका आगे का बॉनेट है, या अगर हम फ्रंट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, है ना। आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए इधर पोलो खड़ी है, इधर देखिए आप, एक पोलो खड़ी है, इसका साइज़ देखिए। और जब आप बात करते हैं इधर इसकी, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, मेनली जैसे कि अगर आप यूपी बिहार इन सब की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ चलता है जिसको कहते हैं भोकाल। तो ये सब गाड़ियाँ मेनली उसी के लिए होती हैं, भोकाल के लिए, ठीक है। गाड़ी प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मेनली भोकाल के लिए होती है, ठीक है। तो आज इसी भोकाल की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो जैसे कि फ्रंट में आप देख ही सकते हैं, फ्रंट में ये मस्कुलर सा डिज़ाइन है। बॉनेट आप देख सकते हैं ना, एकदम मेरे बराबर ही आ रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा ह्यूज बॉनेट। फ्रेंड्स, हम ना इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या फीचर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है। मेनली बताते हैं ना कि मेन रीज़न क्या है, हम भोकाल की बात करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। वो मतलब फालतू उसमें डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि क्या है क्या नहीं, वो तो सबको पता ही है कि क्या क्या किसमें आता है, कौन वेरिएंट है। वैसे मैं बता दूँ, ये टॉप मॉडल है, ठीक है, डीजल गाड़ी है और टॉप मॉडल है इसका, ठीक है, और ब्लैक कलर में है। और आप एक काम करिए, आप इसके सिनेमैटिक शॉट थोड़ा इन्जॉय करिए, उसके बाद बात करिए। ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल हाइट वाले को चढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इस बिग डैडी के अंदर, और देख सकते हैं अंदर का ही ऐसा कुछ माहौल है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और मतलब थोड़ा प्रीमियम टाइप का इसमें जो है इंफोटेनमेंट वगैरह, या इंटीरियर की बात करते हैं, यहाँ पर ना आपको सॉफ्ट टच मिला हुआ है। ये पूरा सॉफ्ट टच है, ये तो हार्ड प्लास्टिक है,
ये जो है ना फ्रेंड्स, ये सॉफ्ट टच है, और जो सीट्स हैं इनकी लेदर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। सीट्स की लेदर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये सब आपको सॉफ्ट टच मिलता है, और ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है। और बीच में अगर बात करें तो इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट मिलता है जिसमें आपका एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब कुछ है। इधर पे एसी के कंट्रोल्स हैं और हिल्ड होल्ड असिस्ट भी है। यहाँ पे ड्राइव मोड है, जिप जैप जूम, वो तो पता ही है महिंद्रा वाले जो है अब दे ही रहे हैं सब में, ठीक है। ये पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये आपका ऑटो स्टार्ट ऑफ है, इससे आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है, दिख रहे हैं जैसे सामने पोलो खड़ी है तो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे इमरजेंसी SOS है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है फ्रेंड्स। और क्योंकि जो चलाने में मज़ा आता है ना गाड़ियों को, वो मैनुअल में ही आता है, ऑटोमेटिक में वो फील नहीं आता है, ठीक है। मैनुअल में जितना पंजा दबाया गाड़ी बड़ी ओवरटेक करने में वगैरह में, उसमें ज़्यादा सहूलत रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सनरूफ दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसको, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सनरूफ दे रखी है जो कि इस बिग डैडी को और भी ज़्यादा जो है एनहेंस कर देती है इसकी ब्यूटी को। तो जो है आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, और इधर आपका क्रूज कंट्रोल है, और यहीं से आप जो है इसको MID को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब MID में फ्रेंड्स यहाँ पे MID की अगर बात करें तो इधर आपको मिल जाता है ये RPM वाला मीटर, इधर मिल जाता है स्पीडोमीटर, बीच में आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक वो लगी है सेलोफेन, लेकिन हम इसको निकालेंगे नहीं क्योंकि अभी गाड़ी नई है तो इसको लगे रहने देना है कुछ दिन। इसमें बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये फिनिशिंग जो दे रखी है क्रोम से, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत, मतलब एनहेंस। फ्रेंड्स आपको ट्विटर मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक फ्रंट पे स्पीकर दिया हुआ है, सोनी के स्पीकर्स दिए हुए हैं सारे यहाँ पे। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, और एक ग्रैब हैंडल पैसेंजर, काफ़ी बड़ी है ना तो ईजिली आप इसको ऐसे पकड़ के वहाँ से चढ़ सकते हैं। तो जो सीट्स हैं, ये आपका 8-way इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, एडजस्टमेंट वाली सीट्स हैं। इससे पीछे से आगे, इससे आपका जो ये पीछे का बैकरेस्ट है इसको भी, और ये आपका लंबार सपोर्ट, ठीक है यहाँ पर। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स पीछे और देखते हैं पीछे की कहानी क्या है। फ्रेंड्स चलते हैं ना हम लोग मिडल वाली रो में, आपको चढ़ के ही इसको जाना पड़ेगा, स्टिचिंग करा दी जो काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाली सीट जो है वो एडजस्टेड है अकॉर्डिंग टू माई हाइट, और बहुत ही ज़्यादा लग रूम है। तो यहाँ पे आराम से 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मेरा हाथ भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा हम्प है, तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे भी आपको AC वेंट वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 AC वेंट है पीछे वालों के लिए, और यहाँ पे आपको एक सी टाइप चार्जर दिया हुआ है ना, तो ये भी, और यहाँ से आप ब्लोअर की स्पीड को सेट कर सकते हैं। बाकी और यहाँ बीच पर कुछ नहीं। अब मेन चीज़ है इसका जो चेक करना है, वो चेक करना है 3rd रो कि वो कितनी प्रैक्टिकल है, क्या वहाँ पे कभी एडल्ट बंदा। तो फ्रेंड्स बीच वाली जो सीट है ये 60-40 स्प्लिट है, तो इधर से ही आप पीछे जा सकते हैं, है ना, इस साइड से लेफ्ट साइड। यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, इसको ऐसे करेंगे और टम्बल हो जाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे जा के देखते हैं, तो फ्रेंड्स अब इसको बंद करके देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं पीछे, और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे ना ऐसे पैर मोड़ के बैठना पड़ रहा है। अगर मैं पैर थोड़ा सा आगे करता हूँ, मुझे यहाँ वो नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं, अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाकी जो बच्चे होंगे ना, वो आराम से बैठेंगे पैर नीचे करके। वैसे मैं बैठ सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिप्स के लिए बैठ सकता हूँ। अच्छा उधर पीछे है, डिग्गी में है चार्जिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से नहीं एक्सेस कर सकते। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स रीडिंग लाइट्स वगैरह हैं, तो देख रहे हैं आप, और ये रीडिंग लाइट्स LED हैं सारी, देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे ना बीच वाले के लिए भी देखिए एक हेडरेस्ट दिया हुआ है। तो ये था कुछ पीछे का। अब मुझे जैसे अगर निकलना है ना, तो यहाँ से, यहाँ पे
एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये यहाँ से भी मैं इसको कर सकता हूँ इस तरीके से, है ना, और मैं निकल सकता हूँ ये इस तरीके से पूरा खुल जाएगा। तो क्या है ना, जो पीछे बैठा है ना वो अपने आप को निकाल सकता है इजीली। उसके बाद इसको ऐसे वापस रखिए और उसको ठीक है, पीछे देखते हैं ना सीट फोल्ड करने के बाद क्या सीन है। तो देखिए डॉगी भी आ गया यहाँ पे, अगर हम ये वाला लीवर खींचेंगे ना ये सीट फोल्ड हो जाएंगी, उसके बाद नीचे वाला खींचेंगे तो पूरा ऐसा टंबल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अच्छा खासा बूट स्पेस बन जाता है। अब देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे कुछ भी कैरी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि गाड़ी की हाइट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है ना, तो आप एक हाइट तक आसानी से चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ना यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट 12 वोल्ट का, और यहाँ पे आपको मिलता है जैक ये यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मिल जाता है जैक, और इसके ये आपको मिल जाती है टूल किट, और इसके नीचे जो है यहाँ से अगर आप खोलेंगे एक वो पॉइंट, तो इसका जो वो है ना स्पेयर टायर वो यहाँ नीचे है, और स्पेयर टायर फ्रेंड्स जो है वो स्टील रिम है, थोड़ा इन्होंने कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी है, एटलीस्ट उसको भी अलॉय देना चाहिए, तो जब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको वापस से ऐसे थक गए। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मेन मौकाल की। गाड़ी प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा है और 7 सीटर है, ठीक है, गाड़ी में कैपेबिलिटीज भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2200 cc का इंजन लगा हुआ है तो गाड़ी कैपेबल है। ये 4x2 वेरिएंट है, वैसे तो 4x4 नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आप नहीं कर पाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, मैं इस पर बैठ गया हूँ लेकिन बोनट पर कोई भी असर नहीं है, और अभी भी बोनट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो फ्रेंड्स मेनली जो बात करते हैं गाड़ी की रोड प्रेजेंस की, रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, वो तो आप गाड़ी के शॉर्ट्स में ही इंजॉय कर लिए होंगे कि गाड़ी कैसी लग रही है। तो गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो इस गाड़ी की ना लेटेस्ट अभी वीडियोस वगैरह आती रहेंगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस करानी है, अभी तो गाड़ी एकदम स्टॉक है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तभी बहुत सी मॉडिफिकेशंस करानी है, उसकी वीडियो इंटरेस्टिंग जो है आपको इंस्टाग्राम चैनल पर रील्स के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। उस गाड़ी का अगर इंफोटेनमेंट का साउंड चेक करना है तो वो भी आप इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।